Hi guys, this is the third vlog of our Umrah series. So guys, Alhamdulillah, we crossed finally UAE checkpoint. We got exit from here, the exit stamp. Now we are moving ahead towards Saudi border, custom control and passport control. UAE border का ये exit point है और इसके बाद जो है अब हम लोग आगे बथा की तरफ move कर रहे हैं. जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हम लोगों को यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वेंसडे को बहुत सारी बसेस जाती हैं यूएई से उम्र के लिए. लेकिन जब हम अपनी कार से गए थे तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगा होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं. यहाँ से अलबथा टेरिटरी स्टार्ट हो गई है तो अब हम लोग आगे जो है अलबथा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं. तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को कितना टाइम लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो चुका है तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे. हमें हमेशा से ही सनसेट का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है. ये बथा का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो गया है. आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है अल मुमलिका अल अरेबिया अल सऊदिया. तो यहाँ से बेसिकली सऊदी बॉर्डर स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ से हम लोग पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ मूव करेंगे. ये पासपोर्ट कंट्रोल का एरिया है. अब यहाँ पे सब लोग नीचे उतरेंगे और अंदर जाके पासपोर्ट की स्टैंपिंग होगी. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पासपोर्ट पे बथा बॉर्डर एंट्री स्टैंप लग चुकी है. अब हम कस्टम क्लियरेंस की तरफ मूव करेंगे. ये कस्टम क्लियरेंस का एरिया है. जैसे यहाँ पे बस रुकेगी तो आपको अपने बैगेज खुद बस से उतार के अंदर लेके जाने, और एक दफ़ा क्लियरेंस हो जाएगी तो आपको अपने बैगेज खुद ही वापस लेके आने. यूएई और सऊदीया के कस्टम क्लियरेंस और पासपोर्ट कंट्रोल में हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि इशा की नमाज़ का भी टाइम हो चुका है. अब आगे जौन सा भी पेट्रोल स्टेशन आएगा वहाँ पे हम लोग की बस रुकेगी ताकि सब डिनर कर सकें और इशा की नमाज़ पढ़ सकें. और आगे की डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपको अपने अगले व्लॉग में देंगे.